नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने, आपके आंखों के सामने एक कंपैरिजन करने जा रहा हूँ, एक टेस्ट करने जा रहा हूँ, वो भी लाइव टेस्ट। और वो टेस्ट होगा नॉर्मल स्पार्क प्लग और इरिडियम स्पार्क प्लग का। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चलती है दोस्तों। कई सारे जो मेरे दोस्त हैं या और भी रिलेटिव हैं, वो मुझे पूछते हैं कि यार, हमें अपनी बाइक, हमें अपनी कार में या फिर हमें अपनी किसी भी गाड़ी में नॉर्मल स्पार्क प्लग डलवाना चाहिए या फिर इरिडियम स्पार्क प्लग डलवाना चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही वेरिएशन है दोनों में, काफ़ी अंतर है दोनों में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद, कि आपको अपनी गाड़ी में नॉर्मल स्पार्क प्लग डलवाना है या इरिडियम स्पार्क प्लग डलवाना है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसे ही वीडियो आपको अपने मोबाइल पे और मेरे इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम बात करते हैं दोस्तों, आज मेरे पास है रॉयल इनफील्ड बुलेट, जिसको हम बोलते हैं, और इसका मैं करने जा रहा हूँ लाइव टेस्ट दोनों ही प्लग का, नॉर्मल और इरिडियम का। तो इसमें जो पहले से डले हुए हैं वो है नॉर्मल स्पार्क प्लग। इसमें जो है काफ़ी स्टार्टिंग पावर है इसकी, मींस और पिकअप भी कम है और माइलेज भी कम है। तो इसी के रिलेटेड हमने क्या कर रहा है कि इरिडियम के स्पार्क प्लग को चूज़ किया है, वो ख़रीदा है, और उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, इरिडियम स्पार्क प्लग भी आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो देखने में कैसे लगते हैं और परफॉर्मेंस में भी वो कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो नॉर्मल स्पार्क प्लग है वो तो हमारे जो नॉर्मल स्पार्क प्लग होते हैं वो तो या तो आयरन या निकल या फिर प्लैटिनम के बने होते हैं। बट दोस्तों जो जैसा कि नाम से आप जानते हैं इरिडियम, तो जो इरिडियम है वो बना होता है इरिडियम मेटल से ही। तो जो इरिडियम मेटल है वो दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्गर मेटल है बाकी के मेटल्स के मुकाबले, और 6% हार्डर, वो 6% हार्ड है इस दूसरे मेटल से, जैसे कि आयरन, निकल या प्लेटिनम हो गया, और 7% जो है वो स्ट्रॉन्गर है इन दूसरे मेटलों से। और जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दोस्तों, जो इरिडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी 700 कितना है, वो भी 700 डिग्री सेंटीग्रेड है, मींस 7 डिग्री, 7 गुना ज़्यादा है दूसरे नॉर्मल स्पार्क प्लगों के मुकाबले में। तो दोस्तों इससे क्या होता है, ये जो मैं आपको चीज़ें सारी बता रहा हूँ, जो स्पेशल फीचर्स मैं इरिडियम के आपको बता रहा हूँ, ये सब कहाँ काम आते हैं, ये सब काम आते हैं इंजन की परफॉर्मेंस में। बिल्कुल दोस्तों, इंजन की परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इरिडियम स्पार्क प्लग लगाने का। बट सवाल उठता है कि क्या आपको अपनी गाड़ी पे इरिडियम स्पार्क प्लग लगाना चाहिए, तो वो मैं दोस्तों आपको बताऊंगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, कि आपको अपनी गाड़ी में, कौन सी गाड़ी में इरिडियम स्पार्क प्लग लगाना चाहिए, कौन सी गाड़ी में नहीं लगाना चाहिए। तो अभी आप बात करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं इरिडियम स्पार्क प्लग, आप इसका प्राइस देख पा रहे हैं, ये एनजे के कंपनी का होता है मैक्सिमम, और इसका प्राइस देख पा रहे हैं 760 रुपये। तो 760 रुपये का एक स्पार्क प्लग है मिनिमम आपको ये मिलेगा, 700 रुपये से नीचे तो कोई इसको आपको देगा नहीं। बट दोस्तों इसके रेट जो हैं मार्केट में आपको 600 से 1000 तक रुपए में आपको मिल जाएंगे, और कई कई गाड़ियों के तो इससे भी ज़्यादा महंगे मिलेंगे, 2000-2500 में आपको एक प्लग मिलेगा। बट दोस्तों जो मेरे पास जो स्पार्क प्लग है, इसकी जो कॉस्ट है वो है 760 रुपये, और अलग अलग टाइप के आपको प्लग मिलेंगे इरिडियम के भी, और अलग अलग उनके आपको कॉस्ट मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके परफॉर्मेंस की, कि जो इरिडियम का जो स्पार्क प्लग है इसकी क्या परफॉर्मेंस होती है। तो दोस्तों
सबसे पहले तो अगर इरिडियम का स्पार्क प्लग हम यूज़ करते हैं गाड़ी में, तो क्या होगी, हमारी आइडल बिल्कुल स्मूथ होगा, जो आइडल रन है, जो आइडल आरपीएम है, वो बिल्कुल स्मूथ होगा। दोस्तों इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इसमें जो मैंने आपको पहले स्पेशल फीचर्स इसके बताए हैं कि जो इरिडियम है बहुत स्ट्रांगर है, बहुत हार्डर है, हम मजबूत है, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। होता क्या है दोस्तों, जब कंबस्टन चैम्बर में हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर जब उसमें पावर स्ट्रोक के दौरान जलता है, तो उसमें कई तरह की गैसेज निकलती हैं, और वो क्या करती हैं, स्पार्क प्लग के ऊपर स्पार्क प्लग जो है उस टाइम उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत जो उसका जो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रखा होता है, उस टाइम क्या होता है, उसके ऊपर कार्बन जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कार्बन जमने के कारण वो जो फिर जो हमारा करंट वो प्रोड्यूस करता है, जो वहाँ से करंट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, जो करंट प्रोड्यूस होता है वो हो नहीं पाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है काफ़ी कार्बन जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, करंट सिलेंडर बोर के अंदर सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सर है वो जल नहीं पाता है, और हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो पाती है। अगर स्टार्ट भी होती है दोस्तों तो क्या होता है, क्योंकि वो उतना करंट वहाँ पर सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये होता है कि आपकी गाड़ी जो है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को पूरा नहीं जला पाती है, जिसके कारण आपकी गाड़ी में क्या होता है, जो परफॉर्मेंस जो है पोर हो जाती है, इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं होती है, जबकि इरिडियम के स्पार्क प्लग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो जो फीचर्स मैंने आपको बताए थे वो काफ़ी ज़्यादा जो नॉर्मल स्पार्क प्लग के मुकाबले काफ़ी अलग टाइप के थे, तो उसमें ये सब केसेस नहीं होते हैं। उसमें आपका अगर आपने गेन इरिडियम का स्पार्क प्लग यूज़ किया है, तो आपकी जो सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा आपका स्मूथ आइडलिंग का, तो जो आपका आइडल रन होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा, और उसके बाद जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, इंजन की जो परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, चाहे उसमें आप अपनी दोस्तों देखिए, जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा जो कि काफ़ी करने का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, दो अलग अलग स्पार्क लगाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और जो उसकी आइडल रन होगा वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तो मींस आपका जो माइलेज है वो भी बढ़ेगा, और जो पिकअप है वो भी बढ़ेगा। कारण उसके ये है कि देखिए दोस्तों, एयर और फ्यूल का जब मिक्सर सिलेंडर बोर के अंदर आता है, और जब स्पार्क प्लग हमारा स्पार्क अच्छा करेगा जो कि साइज में थोड़ा पतला है, तो उस टाइम क्या होगा कि हमारा आइडल रन बिल्कुल स्मूथ होगा, और साथ ही साथ में क्या होगा, जब एयर और फ्यूल का पूरा मिक्सर जलेगा तो उस टाइम परफॉर्मेंस हमारी बढ़ जाएगी, इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, और गाड़ी का पिकअप जो है ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ में क्या होगा, जो जो कि नॉर्मल स्पार्क प्लग जब हम यूज कर रहे थे उस टाइम क्या होता, हमारा जो एयर ऑफ फ्यूल का मिक्सर था वो सही से नहीं जल पा रहा था, उसके कारण क्या हो रहा था, हमारा जो फ्यूल था वो भी ज़्यादा लग रहा था, मींस जो पेट्रोल था वो भी ज़्यादा यूज़ हो रहा था, और पिकअप जो था वो कम था, लेकिन इसमें क्या हो गया, हमारा सब कुछ उल्टा हो गया, इसमें जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर पूरा जलेगा, और परफॉर्मेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी, आपकी गाड़ी का जो पिकअप है, स्पीड है, वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण आपका फ्यूल और माइलेज में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा इरिडियम के स्पार्क प्लग यूज़ करने के बिना। लेकिन अभी दोस्तों जो लास्ट वन क्वेश्चन आपके मन में उठता है कि क्या हमें हर गाड़ी में स्पार्क प्लग इरिडियम का यूज़ करना चाहिए या नहीं, तो ये देखिए दोस्तों, ये आपके मैनुअल के ऊपर लिखा होगा, जब जो गाड़ी के साथ जो आपको मैनुअल मिला होता है, जैसे ये जो बुलेट था इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कौन से कोड का आपको स्पार्क प्लग यूज़ करना है, तो इसमें दोस्तों बिल्कुल लिखा हुआ है कि आप इरिडियम का एनजे की एनजे के